यहाँ पर मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा प्रिंस एग्जिम को कि उनकी कंपनी अच्छा रेगुलर एक्सपोर्ट्स कर रही है। और दोस्तों यहाँ पर सीखने जैसा ये है कि डायरेक्ट उनका सोर्सिंग फार्म में से होता है। अब मोस्ट ऑफ द लोग क्या कर रहे हैं कि सप्लायर्स जो हैं राइट वो ढूंढते हैं, फिर स्टफिंग कोई अलग जगह होता है, पैकिंग कोई अलग जगह कराते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट का एक तो सेल्फ लाइफ कम होता है राइट, पेरिशेबल प्रोडक्ट का, उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। तो अगर एक ही जगह पे, और सबसे बेस्ट जगह क्या है, फार्म राइट, अगर आपका सोर्सिंग पैकेजिंग एवरीथिंग पैकिंग सॉर्टिंग सारी की सारी चीज़ें अगर फार्म में हो जाती है राइट, तो उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो उनका भी सोर्सिंग जो है राइट, चाहे आप जिससे भी जाओ राइट, यू कैन गो विद एन इंटरनेशनल ब्रोकर्स और डायरेक्ट, बट द थिंग इज़ दैट कि बेटर यू चूज़ दिस सोर्सिंग प्लेस एज अ फार्म राइट। तो वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑन ट्रॉट हो जाएगी और फ्यूचर में इश्यूज़ आने के चांसेस बहुत ही कम रहते, क्योंकि ये हाईएस्ट प्रिकॉशंस है। आप देख सकते हो पूरा फार्म जिसपे पीछे ग्रो हो रहे हैं पोमोग्रेनेट्स राइट, उसमें ताकि फार को इश्यू ना हो, ताकि उसको हीट ना लगे, तो ये लगाना पड़ता है शेड्स उसके लिए। तो यहाँ पर सीधे लाइव पोमोग्रेनेट ग्रो होते हैं, वो प्लग करके सीधे पैक करके कंटेनर में डाल के सीधे एक्सपोर्ट कर देने राइट। ये पूरा का पूरा है। ऑनियंस के अलग अलग लोग सप्लायर्स ढूंढ रहे, लेकिन द थिंग इज दैट यू शुड सोर्स फ्रॉम फार्म। फार्म में टीम बनाइए राइट, एक टीम होती है वहाँ पर, फार्म्स में वर्क डायरेक्ट करती है, फार्म में ही सोर्सिंग कराइए, फार्म में ही आपका पैकेजिंग होना चाहिए, फार्म में ही सेग्रीगेशन की टीम सेटअप होनी चाहिए, 55-45 mm जो भी प्लस हो राइट, वहाँ पर ही पैकिंग होता है और सीधा फार्म में कंटेनर स्टफ करा के एक्सपोर्ट कर देना है। दैट इज़ द की फॉर वन ऑफ द की फॉर योर गुड शिपमेंट।